राधे राधे, जय श्री श्याम। आज से एक साल पहले इतना काम कर रहा था, आज दोबारा वही दिन आ चुका है। आज हमारा लान निकलेगा, गेहूं निकलेंगे मशीन में से। अभी 9 बज रहे हैं, अभी खेत में से आए हैं, मतलब अभी भी खेत में से ही आए हैं। आज पूरा दिन रेस्ट का था, पर बहुत ही बढ़िया रेस्ट मिलेगा आज तो। अभी बुग्गी बजा के आए हैं, 12 बजे आएगा मशीन वाला। अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, 12 बजे मशीन वाला आएगा। मैं आज नहाया भी नहीं, नाश्ते तो भूल ही जाओ। मैं आज नहाया भी नहीं, ना मैंने पूजा की, बस ऐसे हाथ जोड़ लिए मैंने। अभी 9 बज रहे हैं, 12 बजे आएगा। टेम्परेचर आज का 34 है, और 12 बजे धूप में माँ। 12 बजे से काम स्टार्ट होगा और 6-7 बजे से भी ऊपर बजेंगे दिख रहा है, क्योंकि 6 बीघे का कटेगा। पिछली बार 3 या 4 बीघा कटा था, तब 6-7 बजे गए थे। बहुत सारा काम होगा, वो लोग कोशिश करूँगा बना सकूँ, क्योंकि काम में बनता नहीं है। या तो ये काम कर लो या वो काम कर लो, एक ही काम होता है। फिर भी ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत, 15-20 मिनट का तो बना ही दूंगा मैं, टेंशन ना लो। तो आज परसों से मैं शायद सोच रहा हूँ कुछ रेगुलर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आ चुके हैं मेरे पास। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो मैं परसों से रेगुलर वीडियो बनाऊं। यार लाइक कमेंट कर दिया करो, और नीचे जो रेड कलर का बटन आता है ना, वो भी दबा दिया करो, कुछ नहीं जाता, दबा दिया करो। या मुझे भेज दिया करो किसी का चैनल, मैं भी दबा दिया करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी नाश्ता वास्ता कर ले, नहाना तो आज है ही नहीं। मैं सही बताऊं, मैं आज नहाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पूरा दिन भूस में जो लगना है जाके, मैं नहाने वाला नहीं हूँ। कल आराम से बाल बाल कटा के, सेविंग वेविंग करा के, तभी एकदम ही नहाऊंगा। मम्मी कहती नहा ले, मैं नहीं नहा भाई। तो अभी हम जाएंगे 12 बजे खेत में, अभी 9 बज रहे हैं, 3 घंटे का रेस्ट मारते हैं। 12 बजे जाके दिखाते हैं क्या क्या होता है। हमें एक कारीगर और बुलाना था दिल्ली से, कल्लू, आया ही नहीं यार, बहाना करके लेट गया। दाढ़ी भी दे देते हम उसको, चार रोटी देते, चाय देते, गुड़ देते, कहता मेरे तो पेट में दर्द हो रहा। तो 12 बजे दिखाते हैं आपको क्या क्या होगा। अभी चलते हैं, खा ले कुछ, भूख लग रही है बहुत तेज की। पता लगना चाह कि डाल की हो रही है। सब पता लगना चाह मेरी माँ कैसी हो रही है। क्या कहती खा, दोबारा क्या कहते खा, और कुछ कुत्ते की पूंछ बाल काट लो, कुड़ी में रखी हुआ सूख गई नहीं हुई, और कुछ सूर का बाल है तेरा मुंह। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और कुछ और कुछ कहो, कुत्ता ही रहे। For my reef man, this shit good. अपने जी की पूरी करो। और कुछ इनका तो मन ने कहा था लेकिन 4 बजे उठो। शर्म तो आती ना, शर्म तो ना आती। भगवान भी बांट देख रहा हूँ, तो थोपड़ा चलू जा। थोपड़ा भी ना चलाऊं, कच्चा कच्चा मेरे खराब, पा मेरे खराब, पेट मेरा खराब, सिर मेरा खराब, बस एक जुबानी तो है जो चला ठीक ठाक, वो भी तो खराब ही है। नहीं यार कितनी चलवा ले, तब तर 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 चला, इसमें कोई बुखार नहीं, ना नजला ना जुखाम ना खांसी, हाँ जुबानी में कोई दिक्कत नहीं। पपीता मेरे जैसे को तो ब्याह भी हो जा। मेरे जैसे बालको को तो ब्याह भी हो जा। ये तो ना बोल लो तुम कुछ, सादे कराए थे होगा मेरा। कोई ना, तुम तो बुलाऊ भी ना मैं। मैं तो बुलाऊं भी ना तुम्हें, हम तो ना कहोगे लिया भाई चल ठीक ठाक। फिर क्या कहते
देखी खाती जिस काम के लिए लगा क्यों काम कर दो रोटी बनाओ रोटी बनाओ रोटी तो जाग तो ज्यादा तीन पांच तो करो ना ये पपीता बना कर दे दिया कई दिन का रहता है कई दिन कुछ खाने को दिया अपनी माने दोपहर के 12 बज रहे मैं तो इतने बढ़िया तरीके से रोटी राटी खा के सो गया था बढ़िया नींद आ गई थी पर 4 बजे का टाइम रख लेते यार मजदूर देखो मजदूर हाय गाइस पूरा यार इसमें एक तो इतनी धूप है वो वहां जाके इतनी धूल उड़ेगी ना पूछो मत तू किलो अंडे रामा के मैं राम की तो प्यार है हमारा भी तो इकट्ठा भी नहीं हुआ एक घंटे में मशीन आ रही है 10 मिनट में यार हम ही नहीं मतलब बहुत सारे आदमी है जो धूप में दुखी हैं बेचारे ये है इकट्ठा भी यही हुआ है बस धूप दिखाऊं ओ भाई धूप ये कट गया पता नहीं किसका पड़ा हुआ कटा हुआ हमारा यहाँ हाय गाइस वैसे चश्मा जिसने भी बनाया ना उसका सूख दिया गर्मी बहुत तेज लग रही है पर धूप ज्यादा भी नहीं लग रही अभी तो पूरा बाकी है यार अभी इतना हुआ है बहुत सारा बाकी है मशीन आ रही है मैंने धूप की तरफ को देख सकता हूँ अगर चश्मा नहीं होता तो नहीं देख पाता इसके चारों तरफ दिखाऊं साल में बस एक यही काम है जो सबसे हैवी बनता है मजा बहुत आता है इस काम को करने में शाम के टाइम जब घुस जाएगा ना घर तब मजा बहुत आता है गर्मी में यहाँ से उठेगी इसमें डलेगी यहाँ से निकलेगा अनाज यहाँ से अनाज निकलेगा यहाँ से वो निकलेगा ओ यहाँ से भूसा निकलेगा जहाँ लिखा ना भूसा हाय शक्तिमान धूप यार सकल अच्छी लग रही है ना अभी तो थोड़ा ही मेकअप हुआ है 2 ही घंटे का मेकअप है अभी तो शाम को 8-9 बजे तक का मेकअप होगा ना तब अच्छा लगेगा मतलब यहाँ से ऐसे नीचे नीचे तो रहेगा वाइट ऊपर ब्लैक एकदम समस्या आज चश्मे ने गर्मी तो लग रही है धूप नहीं लग रही बिल्कुल भी बड़ा साथ दे रहा कल्लू आई मिस यू आया नहीं बेटा अभी तो आधा हुआ है यार आधा बाकी है तुम्हारी कसम एक तो यहाँ पापा बैठा ऊपर से इन्होंने गाना ही पता कौन सा बजा रखा है वो अलबेले तांगे वाला
अरे पापा बैठा हुए यो गाना बदल ले, बापू बैठा मेरा यहाँ गाना भी कैसा बजा रखा भाई साहब। टोटल 41 कट्टे तो ये हैं, टोटल 41, ये पता नहीं कितना मैंने गिना नहीं भैया बताएंगे। इकतालीस कट्टे मतलब एक उसमें दो 40 किलो वजन है शायद एक कट्टे में, शायद मोटा मोटी 3800 या 4400। अभी देखते हैं नेट वेट कितना निकला है, टोटल अमाउंट 6 बीघा में से कितना निकला है। टोटल हुआ है 96 डोली में 20 किलो की एक डोली है, 96 × 20 1920 बैठ गए 1920 केजी। और पता नहीं भाई मेरे को तो, मेरे तो यही हिसाब है क्योंकि 96 डोली है, वो है वाली डोली जो भरा वो वाली डोली है, 20 किलो की एक बता रहा 96 है तो वही हो गया 1920 हो गए ना, 1920 केजी। हाँ भाई 2 टन ये है भाई असली काम तो ये है। अगर अभी 4 बजे से इसको ढोने के लिए लगेंगे ना तो रात के 2 बज जाएंगे, तब भी जाकर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा बेकार काम सबसे ज़्यादा ये मुंह में भरता है, आंखों में भरता, बहुत गला खस हो जाता है, सिर्फ ठस ठस। ये है मेहनत बस, ये है सबसे। पैरिस देखो हुआ था बस पैरिस देखो पैरिस ये था ये था। हाय गाइस इतनी ऊपर बैठा हुआ ना छत्ती पे चढ़ के कैमरे में धूल ऐसे घुस गई। वो सीरियल आते थे ना दूरदर्शन चैनल पे अली बाबा 4400 ऐसे ऐसे तो होता था ऐसे नकाब सा पहन के पूरी वही फीलिंग आ रही है अली बाबा 4400 वाले। पहला चक्कर हमारा कितनी देर में लगा, 5:20 हो रही है पहला चक्कर लगा, टोटल चक्कर लगने हैं भुसके 7, एक चक्कर 1 घंटे में तो 7 घंटे, 7 × 5 = 12 वो भाई साहब 12 एक तो बजी जाएगा क्योंकि रेस्ट भी होगा, ऐसे तो है नहीं मशीन थोड़ी ना, तो 1-2 बज जाएगा, सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आदम थी बता दे। नीचे को दे ये बात ये बोल टेड बट बस घुस जा, चलो चलो सीधा चलो भाई। तो खोल खोल रहा भैया, खोल भाई खोल पानी। पहला चक्कर उतर चुका है, आंखों में भी ना यार तुनके तुनके से भर गए पूरी आंखों में। किसी को फेशियल कराना हो ना ब्लैक तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अप्रैल के महीने में यहाँ जाना पूरा फेशियल करा देंगे। पैर छो, नमस्ते कर, ठीक है बड़ा हो जा।
अरे भाई साहब हालत देख रहे हो। सेकंड राउंड रेडी हो चुका है। छह बीस हो दिए, तीन चक्कर हुए, बस तीन, चार चक्कर बाकी है। टाइम क्या हो चुका है? 8 बज चुके हैं, 8 3 11 12। बस 12 बज चुके हैं। सॉरी, आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। 8 बज चुके हैं, 12 बज गए, काम करके ना दिमाग भी घूम गया। सब खेत में से आ रहे हैं क्योंकि सीजन यही है। एक बुग्गी हो रहा है जी, रुक जाओ। आज तो मैं कम से कम 4 रोटी लपेट दूंगा, इतनी भूख लग रही है। साढ़े ग्यारह हो चुके हैं भाई, लास्ट चक्कर है। भूख बहुत तेज लगी है मेरे को। अब डालना चालू किया था ना, कमरा खाली था। ये छत है, ये कमरा है, ये पूरा ऊपर तक भर गया। वहां डालने वाला खड़ा हुआ, चार पांच और है बस। कैमरा घुमा दिया। फाइनली शकल भी बदल चुकी है भाई साहब रे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काम खत्म हो चुका है, 11:21 हो रहे हैं। अब तो नहाऊंगा, भूख लगी है बहुत तेज। लाइक करना, कमेंट करना। वैसे मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया, काम के चक्कर में बहुत ज्यादा काम था। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और बताना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, लिंक मैं इंस्टाग्राम पे डाल ही दूंगा। शेयर जरूर करना और कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता, मतलब कर दिया करो। अपना ही है जो भी, ठीक है। चलते दादे दादे, जय श्री श्याम, टाटा बाय बाय। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अभी तो बस मैं नहा लूं और सो जाऊं। आई लव यू बोलो, पूरा बोलो, आई लव यू। हेलो, आई लव यू।